हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रनीस आज आप लोगों को एसिडिटी के बारे में बताएंगे। तो एसिडिटी आज के डेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सभी लोग एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं। तो आज आप लोगों को एसिडिटी क्या है, एसिडिटी किस कारण से होता है और इसका होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को बतलाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो एसिडिटी जो है, अब सीने में जलन की समस्या हो रही हो, पेट में दर्द है, मुंह का जो स्वाद है बदला बदला सा लग रहा हो, तो ऐसे एसिडिटी का सिम्टम है। तो किस कारण से एसिडिटी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो बस एक व्यू में जाने, जो लोग ज़्यादा एक्सेस खाना खाते हैं उन लोगों को भी एसिडिटी होता है, जो लोग स्पाइसी फूड नॉन वेज खाते हैं उन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो लोग ड्रिंक करते हैं मीन्स जो लोग एल्कोहल लेते हैं उन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जो लोग ज़्यादा काम बैठ के ही करते हैं उन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जिन लोगों का खाने का टाइमिंग ठीक ना हो उन लोगों को भी एसिडिटी का प्रॉब्लम देखने का मिलता है। तो एसिडिटी का होम्योपैथिक में बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। अगर आप सिम्टम को देखकर उस मेडिसिन को खाते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है 100% रिलीफ देती है। तो एसिडिटी का जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। तो कार्बोवेज मेडिसिन एसिडिटी के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। जैसे आपको सीने में जलन की समस्या हो तो आप कार्बोवेज मेडिसिन लें, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम खा लें। दूसरी मेडिसिन है पल्सेटिला। जो लोग तले फूड ज़्यादा खाते हैं उन लोगों के लिए पल्सेटिला मेडिसिन है, वो 2 बूंद सुबह खा लें, 2 बूंद शाम खा लें। अब एक और मेडिसिन आती है नक्स भोम। तो नक्स भोम भी मेडिसिन जो है एसिडिटी के लिए बहुत ही बेटर मेडिसिन है। जो लोग बैठे बैठे ज़्यादा काम करते हैं और खाने का कोई टाइमिंग नहीं है उन लोगों के लिए नक्स भोम मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है, वो 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम खाएं। उसके बाद और भी मेडिसिन है दोस्तों, जैसे लाइकोपोडियम भी जो मेडिसिन है एसिडिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन और रामबाण मेडिसिन है एसिडिटी के लिए। तो लाइकोपोडियम को आप कहाँ यूज कीजिएगा, तो लाइकोपोडियम में जो एसिडिटी बनता है, अगर आप कुछ खाना खाते हैं बस खाना खाते ही एसिड आपको गैस बनना एसिडिटी चालू हो जाता है, तो उस दौरान आप लाइकोपोडियम मेडिसिन लें। उसके बाद और भी मेडिसिन है रूबीनिया। तो ये जो रूबीनिया मेडिसिन है वो भी एसिडिटी के केस में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। जिन लोगों का स्टोमच में ज़्यादा एसिड बनता है उन लोगों के लिए रूबीनिया बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और सिम्टम है कि जिस जैसे एसिडिटी बढ़ेगा, अगर वो लेटता है तो एग्रावेशन होगा और सीने में जिस साइड वो लेटे रहेगा उस साइड सीने में जलन की समस्या होगी, तो उस स्पीड में रूबीनिया मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। आप रूबीनिया मेडिसिन 30 नंबर में सुबह शाम 2 बूंद खाएं, बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अगर ये सब सिम्टम कॉमन जो सिम्टम है तो आप खुद होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन एसिडिटी में अगर और सिम्टम आते हैं तो और भी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन ये जनरल जो सिम्टम अगर ऐसा मिलता है तो आप इस मेडिसिन को लेकर के एसिडिटी को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।